सकते हैं कवर फायर जो प्रोवाइड किया जा रहा है ये क्यों नहीं दे रहा, लेकिन ये जो बचे हुए होप फॉर बेस्ट बट सेवन सी और यहाँ पर यानी गॉड लाइक उनकी फाइट हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ चांस नहीं मिला वहां पे कमबैक करने का वाइपर को, बट दूसरे एंड पे टीम गॉडलाइक के पैनल स्टार्ट चुके हैं। मार्कोस गेमिंग के रॉनक को फ्लैग यहां पे व्हीकल ब्लास्ट के कारण मुश्किल में डाला जा चुका है। थ्री उम्मीद टीम सोल की तरफ से माइटी की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्या वो कनेक्शन वहां पे आगे जाके ढूंढ पाएंगे, स्मोक काफी इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, बात करें तो ग्रेनेड सारे स्मोक और टीम सोल को इस मैच से बाहर कर दिया। और यहाँ पर हम बात करें जोनाथन और क्लच गॉड हो चुके थे नॉकआउट सही वक्त पे, रिवाइवल यहाँ पर दिया जा रहा है और कोई थर्ड पार्टी नहीं हुई, अदरवाइज अगर एक थर्ड पार्टी अगर आ जाती तो टीम गॉडलाइक का भी हमें एलिमिनेशन यहाँ से देखने को मिल सकता था। राइवलरी के अक्ष भी यहाँ पर अलाइव है, सेवन सी के एक चैलेंज बने हुए हैं अगर हम बात करते हैं पर टीम राइवलरी के अक्ष, लेकिन वो काफी बिहाइंड उनके दस नजर आते हैं, लेकिन सी गॉड का यॉक गार्ड वो चाहते थे गलती करे टीम गॉडलाइक खिलाड़े आगे बढ़ रहे हैं। क्लच गॉड को भी शायद यहाँ पर इस कवर के बाहर आना पड़ेगा, ट्रैक्टर का आप यहाँ पर कवर आप ले सकते हैं बट वो ग्रेनेड गलती से, और आज हम देख पा रहे हैं तीसरी मरतबा हम ये देखने को मिल पा रहे हैं ग्रेनेड के डैमेज से दो खिलाड़ी तो देखिए गेम से बाहर हो चुके हैं खुद के ग्रेनेड से, बट इस बार कोई गलती नहीं करना चाहेंगे यहाँ पर क्लच गॉड। ब्रेक हो ग्रेनेड, टाइम नहीं हो ग्रेनेड, क्या कोई नॉकआउट मिलेगा कि नहीं, जी नहीं बट हाँ डैमेज जी। और अभी के लिए हम बात करें सात फिनिश निकालने के बाद क्या यहाँ पर जो फिनिश काउंट में इजाफा होगा कि नहीं, सेवन सी का देखने वाली बात है। पहले लग रहा था कि ड्राइवलरी के अक्षय भी आसपास है पर जी नहीं, उनके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे क्योंकि जोन के अंदर उनको भी आना है। काफी टीम्स अभी भी यहाँ पर अगर हम बात करें स्पेशली जैसे हम बात कर पाते हैं यहाँ पर टीम रेवेनेंट की दो ही खिलाड़ी बचे हुए थे जी नहीं, बट अभी के लिए रेवेनेंट का भी आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ है। प्ले जोन से काफी टीम स्ट्रगल कर रही है यहाँ पर रावत जी, प्ले जोन की बात की जाए तो देखिए अच्छी बात है कि वो कुछ मैक्सिमम टीम्स को हिस्सा मिल चुका है जिसके कारण कुछ लिमिटेड टीम्स को मौका अब नहीं मिलेगा, जितना स्पेस था वो भर चुका है, आपको स्पेस चाहिए आप टीम को एलिमिनेट करिए, आपका सर्जन में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस टीम यहाँ पे बात करें चौथा क्या देखिए टीवीपी लेने की कोशिश प्रेगॉन के सामने सारे की बात करें कोशिश, लेकिन कैमेनी स्पोर्ट्स के 420 ओबी प्ले जोन के बाहर यहाँ पे नॉकआउट होते हुए हम लोग को फिलहाल देखने को मिला है। टीम गॉड लाइक एग्रेस करना स्टार्ट कर चुके, क्या ये चिकन जो अभी तक मुश्किल में थे वो पहला चिकन यहाँ पे मिलने वाला है 496 से पहले यहाँ पे पहला जबकते ही बात की जाए तो यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया जॉनथन का पहला नॉक, क्लच गॉड का यहाँ पे दूसरा नॉक और टीम मुश्किल में आए, लेकिन अब छह टीमों के बीच मुकाबला अच्छा इस चीज का। जॉनथन ने यहाँ पर अभी के लिए बिल्कुल बीचों बीच नजर आ रहा है जी गॉड एंड क्लच गॉड के जो सर्वाइवल गेम प्ले अभी चल रहा है यहाँ पर काफी बेहतरीन, और अभी के ग्रेनेड जो आ रहा है आदित्य को निकाला जा सकता था, कितने सारे वो सिंपल जो आ रहे हैं मेरे ख्याल से आदित्य गेम से बाहर जा सकते हैं सिर्फ ग्रेनेड्स अगर आते रहेंगे तो बिल्कुल। अभी आप देखिए पांच टीमों यहाँ पे फिलहाल बच के रह चुके हैं फ्रंट साइड में, अगर जो सर्कल का एडवांटेज जो थी गॉड लाइक ढूंढ रहे थे उन्हें लगभग वो मिल चुका है, उसके साथ देखिए कितना परफेक्ट यहाँ से क्लियर पिक्चर टीम गॉड लाइक को यहाँ से मिल चुका है। अब यहाँ पे मुझे लगता है अलाउ तो शायद ही यहाँ पे टीम्स को करें क्योंकि सर्कल का जो एडवांटेज इनके पास है, अब इसको रोकेंगे अपने चिकन के साथ या फिर नहीं लेट्स सी, बट फिनिश की बात की जाए तो यहाँ पे गॉड लाइक के जॉनसन की तरफ से सवितार को मैच से बाहर कर दिया गया, क्लच गॉड की तरफ से यहाँ पे अक्षय को यहाँ पे डाउन करते हैं और ग्रेनेड यहाँ पे मैक्सिस के ऊपर भारी पड़ते हैं। जॉनथन स्टिल अपने ग्रेनेड अभिफोर के साथ रुकने का नाम नहीं ले रहे और ऑरेंज रॉक के वेक्सी सेक्सी को भी स्पॉट करते हैं मैच से बात करते हैं। फ्रैंक इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग टीम गॉड लाइक चिकन निकाल सकते बट फ्रैंक ने प्ले जोन के बाहर से जॉनसन को नॉकआउट किया और उसके बाद जो कवर फायर चाहता वो मिल गया और